आज मेरठ में हिंदू राष्ट्रवाद के प्रबल एवं विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष हिंदू सम्राट श्री प्रवीण तोगड़िया जी एक चिकित्सक और कैंसर सर्जन होने के नाते आज शहर के न्यू टीमा हॉस्पिटल में चिकित्सकों एवं हिंदू समाज को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने हेतु पधारे। मैं डॉक्टर बंधुओं को मिलकर देश में कोई गरीब प्राइवेट के डॉक्टर के बिना नहीं रहेगा। ये व्यवस्था का नाम है इंडिया हेल्पलाइन। लोगों का मुफ्त में ब्लड प्रेशर शुगर की जांच करना और लोगों को रोग मुक्त रहने की ट्रेनिंग जिनको लाइफस्टाइल ट्रेनिंग कहते हैं, ये तीन काम इस वर्ष में 1.25 करोड़ लोगों तक ले जाने की मेरी योजना है। तो उनमें डॉक्टर का सहयोग चाहिए। स्थिति मेरी ऐसी है कि मरीज से ज्यादा मेरे पास इस समय डॉक्टर है। कश्मीर घाटी के हिंदू को निकाल दिया तब मैंने कहा कि आज कश्मीर घाटी के हिंदू की बारी है, कल मेरठ के हिंदुओं की बारी है, मुरादाबाद की है, अहमदाबाद गुजरात की है। हमने फैसला किया कि देश के हिंदुओं की हम मिलकर रक्षा करेंगे। एक भी हिंदू को अपना घर छोड़ना नहीं पड़े, अपमानित न होना चाहिए। ऐसे हिंदुओं का सामर्थ्य भारत में हम खड़ा करेंगे। तब हमारी उम्र थी 30 साल। 30 साल की उम्र में हमने ये फैसला किया, निकल गए। आज राम मंदिर बनने जा रहा है, आगे बहुत आपका मतलब राम मंदिर बनने के सहयोग में बहुत अच्छा योगदान रहा है। आगे किस तरीके से क्या और विचार रहेंगे कि भारत को हिंदू राष्ट्र में कराया जाए? जैसे राम मंदिर देखने से खुशी होती है, इतनी खुशी करोड़ों हिंदुओं के घरों में वापस लौटे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, यह मेरा अब मेन एजेंडा है। पुरुषोत्तम राम को तो ले आए, अब कृष्ण जी की बारी है, वो कब तक आएंगे? बस रात को मेरे सपने में सुदर्शन चक्र और डमरू सुनाई देता है। मतलब कुल मिला के तैयारियां शुरू है। अरे कब की हिंदू कर रहा है, समय का इंतजार है, खोया हुआ वापस लेकर ही रहे। जय श्री राम। जय श्री राम जी। एक आखिरी प्रश्न, अपने जो मतलब हिंदू राष्ट्र के लिए कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? बस भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया है, अब भगवान राम के भव्य मंदिर जैसे सभी हिंदुओं को अच्छा पक्का घर मिले, शिक्षकों को स्वास्थ्य, युवाओं को रोजगार और किसानों की कृषि समृद्ध हो, तो हम कहेंगे कि राम मंदिर बनाने में हम सबने मिलकर प्रयास किया, उनका लोगों के घरों तक अच्छा परिणाम आया।